दोस्तों, आज हम कवर करेंगे वुमेन्स वर्ल्ड कप का T20, वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 का मुकाबला नंबर 19। वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 का जो मुकाबला नंबर 19 खेला जाएगा, वो खेला जाएगा इंडियन समय अनुसार आज ही शाम को 7:30 बजे। आज ही शाम को 7:30 बजे जो मुकाबला होगा, इस मुकाबले में भाग लेगा पाकिस्तान वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स। पाकिस्तान वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स दोनों टीम आपस में खेलेगा। दोनों टीम की तुलना में स्ट्रॉन्ग कौन सा टीम होगा, कमज़ोर कौन सा टीम होगा, क्या न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग होगा, क्या पाकिस्तान वुमेन्स स्ट्रॉन्ग होगा, साथ ही साथ आप लोगों को पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, क्या बैटिंग पिच रहेगा या बॉलिंग पिच या वायलेंस पिच। अगर बैटिंग पिच रहेगा तो कौन बैट्समैन चलेगा और कौन सा बैट्समैन फ्लॉप्स होगा, डर्म कार्ड यूनिक बैट्समैन के रूप में कौन रहेगा, यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे दे, सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। विदाउट बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्शन से बात करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में अभी फ़िलहाल के लिए लाइनअप में नाम शामिल एम अली का है, और जो कि अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, ओपनर है। रिसेंट के मैच के अनुसार देखा जाए तो 5 मुकाबले के तुलना में 3 में अच्छे प्रदर्शन की है, 2 में फ्लॉप्स हुई है। जिस तरह से ओपनर है और T20 है का मुकाबला हो रहा है, कमज़ोर टीम है उस तरह से ठीक ठाक कर रही है, लेकिन सेलेक्शन परसेंट काफ़ी है। बात कर लेते हैं एम ग्रीन, ये जो कि 4 से 5 नंबर में इनकी बैटिंग ऑर्डर आएगी, 4 से 5 नंबर में आएगी। रिसेंट के फॉर्म के देखा जाए तो ये भी 4 मुकाबले में 3 में फ्लॉप्स हुई है, 1 में ही अच्छा प्रदर्शन करे है। आई गेन सेम टू सेम इसी कंडीशन है, ये भी 4 मुकाबले खेले हैं, 3 में फ्लॉप्स हुई है, 1 में अच्छा प्रदर्शन की है। अगर आप लोग इन तीनों विकेट कीपर में से किसे लेना है, क्यों लेना है, अगर आप लोग ग्रैंड लीग का सेफ टीम बनाना चाहते हैं तो एम अली को ले सकते हैं। अगर आप लोग ग्रैंड लीग का रिक्सी टीम बनाना चाहते हैं तो एम ग्रीन को या आई ग्रीन को ले सकते हैं। अब चलिए, आपको मैं बैट्समैन में आते हैं। बैट्समैन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट जो है वह है बैटिंग पिच गुड फॉर स्पिनर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 125 है, वेन्यू दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई में खेला जाएगा, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि दुबई में खेला जाएगा, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एस बेस्टेस्ट जो कि अच्छे खासे बैट्समैन के रूप में न्यूजीलैंड का ओपनर रहेगी, लेकिन रिसेंट के फॉर्म अच्छी नहीं है और हो सकती है इनकी बल्ला कभी भी चल जाए, लेकिन अभी खास प्रदर्शन नहीं कर रही है। ऐसा हमें तो बैट्समैन की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन रिसेंट के फॉर्म के अनुसार काफ़ी बुरी चल रहा है, जिसके कारण सेलेक्शन परसेंट लो है। अब यहाँ पर ए राजा, इन्हें 6 नंबर में बैटिंग करने आएगी ए राजा का जो कि 6 नंबर में आने के बावजूद भी 69 पॉइंट दी है। रिसेंट के फॉर्म ठीक ठाक है। बी हेल्ड ओपनर है, ओपनर के साथ 2 से 3 नंबर में आएगी, अच्छे खासे प्रदर्शन करेगी। जी प्लेमियर जो कि रिसेंट के फॉर्म में अच्छे खासे फॉर्म में है, और ये 2 नंबर में बैटिंग करेगी, ओपनर के साथ आएगी। हालांकि ये जो हम 5 बैट्समैन को मैंने बताए हैं, इन 5 बैट्समैन को रिकॉर्ड मिलता जुलता है और रिसेंट के फॉर्म ठीक ठाक है। इन 5 बैट्समैन में से 5ों को तो आप अपने टीम में शामिल नहीं कर पाएंगे, 5 में से 1 या 2 या 3 जिसे करना है कर सकते हैं। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर हेड टू हेड मुकाबले कितने हुए हैं और इस ग्राउंड पर कुल कितने मुकाबले हुए हैं ये भी बताएं। ये ग्राउंड पर कुल मिलाकर 57 मुकाबले हुए हैं, 97 मुकाबले में से 45 मुकाबले बैटिंग फर्स्ट करने वाले जीते हैं,
51 मुकाबले बैटिंग सेकंड करने वाले जीते हैं, एक मुकाबले जो है नो रिजल्ट रहा है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हाई स्कोर और लो स्कोर की। हाई स्कोर की बात करें तो 212 बना है, लो स्कोर की बात करें तो 55 पर ऑल आउट हुआ है। मेरे अनुभव और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आप लोगों को बता देते हैं, ये बैलेंस पिच है, लेकिन यहाँ पर दर्शा रहा है बैटिंग पिच और वो है बैलेंस पिच। बैटिंग और बैलेंस में बहुत अंतर है। आप बात कर लेते हैं एलम केरी, हेड टू हेड मुकाबले खेली है और पाँच में इन्हें तीन में खेलने का मौका मिले हैं, तीन मुकाबले में से पाँच विकेट निकाली है, अच्छे खासे हेड टू हेड रिकॉर्ड है, रिसेंट की भी फॉर्म है। एन नदर पाकिस्तान की एक अच्छा ऑलराउंडर थी, लेकिन रिसेंट के फॉर्म काफ़ी बुरी चल रही है। अब यहाँ पर एशिया भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। एफ फेमस का रिकॉर्ड हेड टू हेड अच्छा है, वो ऐसे अच्छा खासा प्रदर्शन करेगी, रिसेंट के फॉर्म ठीक ठाक है। एल लेगी प्रेशन अच्छे खासे उम्मीद करने का संभावना रख सकते हैं, हालांकि ये छः ओलंडर का रिकॉर्ड ठीक ठाक है। आप लोग अपने टीम में छः ओलंडर को तो नहीं रख पाएंगे, क्यों किस रीजन के रखना है मैं आप लोगों को डेमो के लिए एक टीम क्रिएट कर दूंगा। डेमो के लिए एक टीम क्रिएट करूंगा तो आपको अच्छे खासे एडिया मिल जाएगा, प्रॉफिट मिलने का चांस है। एस की अच्छा खासा रिसेंट का फॉर्म है, एल ओथमान ठीक ठाक है। अब यहाँ पर जैक केरी मिस्टरी अच्छा खासा कर रहा है, ईडन कार्डन अच्छे खासे प्रदर्शन किए हैं, टी वेस्टर्न पाकिस्तान के है एक मुकाबले में ठीक ठाक प्रदर्शन की है। अब यहाँ पर एंस अच्छा बॉलर है, लेकिन रिसन के फॉर्म अच्छे खासे नहीं है, कमज़ोर टीम का अगेंस्ट नहीं चल रहा है। अब दोनों टीम हेड टू हेड मुकाबले करीबन 11 खेले हैं, 11 मुकाबले में से न्यूजीलैंड 9 मुकाबले जीती है और पाकिस्तान 2 मुकाबले जीती है। साफ साफ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान वोमेंस कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पर 7-4 का कम्बिनेशन बनाएंगे तो भी ठीक रहेगा, 3-4 का कम्बिनेशन बनाएंगे तो भी ठीक रहेगा। मैं फ़िलहाल के लिए अभी विकेट कीपर सेक्शन में हर कोई एमएलई के साथ जाएगा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। एक तो सेलेक्शन परसेंट हाई है, रिसेंट के फॉर्म भी खास उतना अच्छे नहीं है। एम ग्रीन के साथ मैं अभी फ़िलहाल के लिए जा रहा हूँ, सेलेक्शन परसेंट काफ़ी कम है। अगर 20 रन मारा तो डीटी लग जाएगा इसमें, और एम अली 20 रन मारेगा तो कंपटीशन भी हाई होगा, डीटी लगने के बाद तो दूर है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बैट्समैन में, बैट्समैन में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बैट्समैन में लेगी प्रवेशन को लूँगा, अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है, रिसेंट का फॉर्म ठीक ठाक है, 2 नंबर में बैटिंग करेगी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ऐसा में टी वेस्टर्न कर लूँगा, 3 बैट्समैन में से एक मेरा जो है डर्म कार्ड यूनिक बैट्समैन हो गया है और 2 बैट्समैन मेरा सेव हो गया है। अब ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में एलम केरी अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, एफ हमर्स ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा, ओडीएस अच्छा खासा प्रदर्शन रिसेंट के फॉर्म में कर रही है, सोफिया को ले लिए हैं। अब यहाँ पर निदर को सेलेक्शन परसेंट हाई कारण मैं इसे अपनी टीम से बाहर कर रहा हूँ। अब बॉलर सेक्शन में आई क्यू अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, एल लोथम को लेता हूँ, इन्हें लेने के बाद देखिए एम मीर अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकता है। मैंने अपनी टीम में 7-4 का कम्बिनेशन बनाया हूँ, 7-4 में 3 बॉलर लिए हैं, 3 बॉलर सेव लिए हैं और यहाँ पर 4 ओलंडर लिए हैं, 4 ओलंडर में से एक यूनिक ओलंडर है, बाकी सेव है। बैट्समैन में भी एक यूनिक बैट्समैन है, बाकी सेव है। एम ग्रीन भी मैंने बेस्ट और विकेट कीपर में भी सेव लिया हूँ, यानी मैंने अभी तक में 3 प्लेयर सेव लिए हैं जिसे आप लोग यूनिक कहते हैं, यूनिक प्लेयर लिए हैं। अब मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन देता हूँ, देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया मैं गारंटली का रिक्सी टीम बनाता हूँ, तो मुझे पर कोई भरोसा नहीं है, कभी अच्छे स्कोर बन सकता है कभी नहीं। अब मैं यहाँ पर देखिए अगर आप लोग कैप्टन देना चाहते हैं तो एलम पैक केरी को दे सकते हैं, ओलंडर है, पिच बैटिंग पिच है, यहाँ पर हाई स्कोर लो स्कोर बनता है, ये पूरे के पूरे बॉलिंग गति है, कैप्टन इसे दिया हूँ और वह इस कैप्टन जी पेले मेयर को मैं अभी दे रहा हूँ। अगर वॉइस कैप्टन इसे नहीं देना चाहते हैं तो अगर और वॉइस कैप्टन सेव देना चाहते हैं तो सोफिया देव को दे सकते हैं या आर्मिडी को दे सकते हैं, क्योंकि रिशान के फॉर्म इन दोनों को अच्छे हैं। अगर उन्हें नहीं देना चाहते तो लोथन को दे सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर अपने टीम के हिसाब से कैप्टन और वॉइस कैप्टन कर रहा हूँ,
क्योंकि मुझे पता है बैलेंस पिच है, तो एक ऑलराउंडर को मैं कैप्टन देता हूँ और वाइस कैप्टन एफ फॉर्मर्स को मैं दे रहा हूँ। अब मैं सेव टीम करता हूँ। सेव टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है, क्यों मैं कमज़ोर टीम के अगेंस्ट भी कैप्टन और वाइस कैप्टन दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरा टीम का परव्यू अभी फ़िलहाल के लिए इस तरह से रहेगा। ध्यान से देखिएगा, मेरा टीम का परव्यू अभी इस तरह से रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।